इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, कि आप किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स को आप खुद तब्दील कर देते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपके मुंह से जो गाली निकलती है वो कॉन्शियसली नहीं निकलती, तो आपके दिमाग में कहीं पहले सेव पड़ी होती है, आपको आदत होती है देने की और आप उस आदत को कैरी ऑन कर रहे होते हैं। लेकिन व्हाट इफ कि उस गाली की जगह ये हंसी ऐड हो जाए। इमोशन जो है वो फीलिंग को एक थोड़ी सी जगह देता है, बट इमोशन इटसेल्फ एक पूरी स्पेस है और ये स्पेस अंदर की बजाय बाहर से आती है। इसका आगाज़ आपकी सोच से हो सकता है, बट ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे होते हैं वहाँ से होता है। अच्छा जी, हमने आज बात करनी है इमोशनल इंटेलिजेंस पे थोड़ी, और इमोशनल मैनेजमेंट पे ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस पे तो ऑलरेडी शाह साहब ने इतनी बात कर रखी है कि मैं कुछ भी ऐड करूँगा तो वो आटे में नमक के बराबर होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे प्योर साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव से कि साइकोलॉजी क्या है, इमोशंस की वो काम कैसे करते हैं। तो होपफुली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं होंगी और आपके सीखने के लिए होंगी। तो जो लोग नोट्स बनाने के लिए अपनी अपनी मशीनें साथ लेके आए हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और अगर कोई सवाल होगा वो इंशाल्लाह हम एंड पे रखेंगे। हो सकता है कि दरमियान में आपके सवाल हों, बट एंड तक इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, जब हम फ्लायर डिज़ाइन कर रहे थे, जब हमने ये सारा प्लान आउट किया, तो फ्लायर पे जब मुझसे पूछा गया क्या लिखना है, तो मैंने कहा जी आप लिख दें इमोशनल मैनेजमेंट, अपने जज्बात को मुनज़्ज़म करें। तो एक बड़ा अच्छा मशवरा आया कि मुनज़्ज़म का वर्ड किसी को समझ नहीं आना। उसकी वजह यह है कि मुनज़्ज़म इन सेंसेस ऑफ इमोशन हमने कभी सुना ही नहीं कि यार ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेज सुना है, मुनज़्ज़म नहीं सुना। वो उर्दू का वर्ड है, थोड़ी सकील उर्दू है, तो हमने लिख दिया काबू करना। तो उस दिन मैंने ये सोचा कि जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करूँगा, क्योंकि इमोशन एक ऐसी चीज़ है जिसको ना हम काबू कर सकते हैं, ना ये हो सकते हैं और ना इन्हें करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये काबू का जो वर्ड है ना, ये हम यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जो बड़े निचले दर्जे की होती हैं। मिसाल के तौर पर कोई जानवर भाग गया है तो हम कहते हैं इसको पकड़ो, इसको काबू करो। ये जज्बात हैं हमारे, ये हमारे जज्बात हैं, हमारे इमोशन हैं, तो इनके लिए जो काबू का वर्ड है ना वो सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यूज़ ना करता तो फिर आपको समझ भी नहीं आनी थी, इसलिए पेशगी माजरत कि हमें वो वर्ड यूज़ करना पड़ा। अब बात चूँकि मुनज़्ज़म की है, तो मुनज़्ज़म जैसे इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मैनेज करना, ऑर्केस्ट्रेट करना, इनको डायरेक्शन देना। तो अल्लाह ताला ने जो इमोशन हमारी बॉडी में रखे हुए हैं, हमें सिर्फ इनको ऑर्केस्ट्रेट करना होता है, इनको डायरेक्शन देनी होती है। अब इसमें एक और बड़ी कॉमन चीज़ आपने सुनी होगी कि दो तरह के इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव इमोशंस कौन से होते हैं, कभी सुना आपने? एंगर, सैडनेस, डिप्रेशन। इन साइकोलॉजी हम इनको नेगेटिव इमोशंस नहीं कहते, हम इन्हें डिफ़िकल्ट इमोशंस कहते हैं। नेगेटिव इमोशंस कहना भी इनकी तोहीन है। वो इस वजह से क्योंकि ये जो इमोशन है ना गुस्से वाला, ये भी अच्छा इमोशन है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपको उस इमोशन को चैनलाइज करना आता है। मिसाल लें कि एक लड़का है, उसको किसी चचा ने, किसी मामू ने ये ताना दिया कि तुम नहीं पढ़ते। अब उसके लिए दो ऑप्शन है, ठीक है जी मैं नहीं पढ़ता, या फिर वो उसी ताने की एनर्जी को चैनलाइज करे, पूरी एफर्ट लगाए और रिजल्ट चेंज कर दे। तो गुस्सा था, एक एनर्जी थी, एक इमोशन था, लेकिन चैनलाइज कैसे हुआ, उससे रिजल्ट क्या निकला, वो दुनिया बदल गई वहीं पे। सो सबसे पहले तो इमोशन। अब आपने तीन वर्ड सुने होंगे, मूड, फीलिंग और थर्ड इज इमोशन। अब मूड जो होता है ये बड़ा टेम्परेरी सा होता है, कह लें कि कुछ मिनट हम खुश रहे, उसके बाद नॉर्मल एक न्यूट्रल माहौल में हम आ जाते हैं। जो फीलिंग होती है वो अंदर से आती है, किसी परसेप्शन से, कोई बात जो हमने सोची हो किसी बारे में। फ़र्ज़ करें कि आप सब एक दफ़ा सोचें कि मैं अपने वालिद को, अपनी वालदा को या अपने किसी भी प्यारे को हज करवाऊँगा।
अब जब आप उसको थोड़ा सा इमेजिन करेंगे ना तो आपको खुशी होती है, यार ये कितना अच्छा एहसास है, दैट इज़ फीलिंग। इमोशन जो है वो फीलिंग को एक थोड़ी सी जगह देता है, बट इमोशन इटसेल्फ एक पूरी स्पेस है, और ये स्पेस अंदर की बजाय बाहर से आती है। इसका आगाज़ आपकी सोच से हो सकता है, बट ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे होते हैं वहाँ से होता है। अब इसकी मिसाल लें कि ये आप तस्वीर देख रहे हैं, अब मिसाल लें कि मैं आपके पास आता हूँ, आपको ये कहता हूँ कि 4000 बच्चों के टेस्ट में जब आपने हिस्सा लिया था तो आपकी पोजीशन आ गई है, तो आप अचानक से खुश हो जाएंगे। फिर मैं आपको कहूँगा यार वो ना आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, फिर आप दुखी हो जाएंगे। मैं कहूँगा यार गोल्ड मेडल ना सही पर पॉसिबली आपका नाम आ जाए सिलेक्शन लिस्ट में, तो आप फिर खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि यार वहाँ तो सिफारिश ही बड़ी चलती है, आप फिर दुखी हो जाएंगे। तो हमारा ये जो चक्कर है ना इमोशंस वाला, ये सारा चल रहा होता है किसी की इन्फॉर्मेशन पे, हमें कोई क्या बता रहा है। लेकिन उसके कहीं दरमियान में एक थॉट होती है, वो जो रिज़ल्ट हम खुद निकाल रहे हैं ना, क्योंकि वो जो सिफारिश वाली बात है वो हमने भी तो मानी है कि सिफारिश होती है। अगर हम उस चीज़ को कबूल ना करें कि सिफारिश नहीं होती, तो फिर उस टाइम पे वो जो इमोशन हमारा होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इमोशन बनते कैसे हैं उस पर बात कर लेते हैं। आप में से किस किस ने इमोशनल इंटेलिजेंस पहले पढ़ी हुई है? वैसे बुक पढ़ी हुई है? मैंने ट्रेनिंग की टाइम लैंडेड को सर्वांसा इंटेलिजेंस पे या मैनेजमेंट पे? इमोशनल पे। इमोशनल इंटेलिजेंस वैसे पढ़ी हुई है किसी ने पहले? नहीं, बुक वगैरह। अच्छा, बुक नहीं पढ़ी हुई, आज बताऊंगा, पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया, एक सिचुएशन आई, उस सिचुएशन की बेस पे एक थॉट आई। सिचुएशन क्या थी कि आपका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट की बेस पे आपने एक थॉट आई कि पॉसिबली मेरा कुछ हो सकता है। उस थॉट की बेस पे एक इमोशन आया, इमोशन क्या था? खुशी, अच्छा लगा, और उसकी वजह से आपका एक बिहेवियर आया। हजरत अली का कौल है कि ज़्यादा खुशी में या ज़्यादा गुस्से की हालत में या गम में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अक्सर इस इमोशन की वजह से ये जो बिहेवियर होता है, हम कमिट कर बैठते हैं कि हम ना पार्टी देंगे दोस्तों को किसी खुशी के मौके पे, बट जैसे ही ये फेज़ गुजरता है कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये बहुत महंगी पड़ेगी, तो फिर हम क्या करते हैं? उससे किनारा करते हैं। तो ये वो सीक्वेंस है जिसके थ्रू एक इमोशन डेवलप होता है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आपने इमोशंस को चेंज करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या जैसे बहुत ज़्यादा औरतें होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, तो अगर आपने इस चीज़ को चेंज करना है तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इमोशन स्टेप बाय स्टेप एंड रिजल्ट तक कैसे पहुँचते हैं। सबसे पहले आप अपने इमोशनल ट्रिगर को समझने की कोशिश करें। इमोशनल ट्रिगर क्या होते हैं? जब किसी बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसे हर बात पे गुस्सा नहीं आता, उसे किसी किसी मखसूस बात पे गुस्सा आता है। ठीक है, हो सकता है कि खाने में नमक ज़्यादा हो तो उससे गुस्सा आ रहा हो सकता है कि बेगम तैयार होते हुए वक्त ज़्यादा लगा दे, इस पे गुस्सा आ सकता है। ठीक है, अच्छा, उस ट्रिगर को सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि आपको मसला ट्रिगर के साथ है या बेगम के साथ। टू बी ऑनेस्ट, हो सकता है कि वजह कोई और भी हो। अच्छा, कैसे इसको फाइंड आउट कैसे करना है, इस पर आगे जाके बात करें, लेकिन सबसे पहले आपने उस ट्रिगर पे फोकस करना है कि ये जो ओरिजिनेट हो रहा है मसला, ये कहाँ से हो रहा है। इमोशन की डाउनफॉल में जाएंगे तो सबसे पहले ढूंढेंगे यार ये जब मैं इस सिचुएशन में आया हूँ ये शुरू कहाँ से हुई थी, मुझे बुरा क्यों लग रहा है, क्या ये सीजनड है, मेरा मूड ख़राब है। अगर मूड ख़राब है इट्स फाइन, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले उसको समझें अगर बार बार होता है तो। दूसरा, जब आपका मूड ख़राब होता है या आपको गुस्सा आता है, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? हम में से सब अपनी जो ये इमोशन वाली एनर्जी होती है ना, इसको नेगेटिवली चैनलाइज करते हैं, गालियाँ, लड़ाइयाँ, और जिसका बस ना चल रहा हो बर्तन तोड़ देता है,
बोल नहीं सकता। छोटे बच्चे जो होते हैं वो दरवाज़ा सही दबा के बंद करके जाते हैं ताकि अपनी एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। तो आपका जो बिहेवियर है उसको समझ लें कि आप एनर्जी तो आ गई, अब फर्ज करें मैं आपको कुछ कहूँ गुस्से से तो एनर्जी तो ट्रांसफ़र हुई, अब उसको आपने ले के कैसे चलना वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, इन इन डिटेल इस पर अभी आते हैं। थर्ड, अब जो रिस्पांस है उसको आपने बदलना है। जो जिस तरीके से फर्ज करें, अभी जो आपने डोर है उसको बड़े ज़ोर से बंद किया, अब आप इसकी बजाय कुछ और कर सकते हैं। मुमकिन तौर पे आपने उसको ढूंढना है। अब ये मैं अभी एक एक इमोशन पे बात करूंगा तो तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। ये सारी बेसिक्स हैं, हम आगे जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो इन्हीं तीन स्टेप्स के ऊपर होगी। अच्छा, ये नाम सुना आपने या कहीं पढ़ा हो? अच्छा, ये नाम आप सबने सुना हुआ है। जैसे ही हटा दें अब सोचें ये नाम आपने कहाँ सुना हुआ है। कौन सी मूवी थी? संजय दत्त की जो मूवी। दिखाएं यार इनको, मूवी दिखाएं, वीडियो लगाएं जरा। अच्छा, ये जो अभी हम बातें कर रहे थे रिस्पांस चेंज करने वाली, ये 2 मिनट का क्लिप है, इसमें आपको एग्जैक्टली वही होता नजर आएगा कि रिस्पांस बदला कैसे जाता है। ये दिखाने का मकसद ये था कि ये ह्यूमनली पॉसिबल है, मैंने ऐसे करते हुए देखा है। और ये लाफिंग थेरेपी तो कभी आपको इत्तेफाक हो तो ज़रूर लीजिएगा, आपके बचपन से लेके अभी तक के जितने गम हैं वो सारे भूल जाएंगे आप, इतनी अच्छी चीज़ होती है ये। अच्छा, इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, कि आप किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स को आप खुद तब्दील कर देते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपके मुँह से जो गाली निकलती है वो कॉन्शियसली नहीं निकलती, वो आपके दिमाग में कहीं पहले सेव पड़ी होती है, आपको आदत होती है देने की और आप उस आदत को कैरी ऑन कर रहे होते हैं। लेकिन व्हाट इफ कि उस गाली की जगह ये हंसी ऐड हो जाए, तो आपको कोई गालियां दे रहा है और आप आगे से हंस रहे हो तो आप उसको भी कंफ्यूज करोगे। एक मोमेंट के लिए उसे लगेगा कि आप पागल हो, बट फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो आपने आज के बाद जिस इमोशन से आप फंस रहे हैं, कोई एक आधा होगा, यहाँ पे फीमेल्स में ज़्यादातर सैडनेस वाला होता है, मेल में ज़्यादातर होता है एंगर वाला, तो आप जिस भी इमोशन में फंस रहे हैं आपने उस इमोशन की जो रिस्पॉन्स है उसको बदलना है। लविंग योर सेल्फ इज़ द प्री रिक्विजिट ऑफ लविंग समवन एल्स। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने आप से मोहब्बत करनी पड़ती है। जब तक आप अपने आप से मोहब्बत ना करें तब तक आप किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। उसकी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन ये भी है कि अगर आपको अपने जज्बात मैनेज करने नहीं आते तो आप किसी दूसरे का क्या ख्याल रखेंगे। ठीक है, आप खुद बेचारे इनसेंसिटिव हैं सारे, कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी ने कुछ कह दिया है और आपका जो पार्टनर है, दोस्त है, साथी है, वो भी सेंसिटिव है, तो दोनों एक ही कश्ती के सवार, किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि दूसरे को कैसे कंपनसेट करना है, दोनों रोए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले, जैसे जहाज में कहते हैं ना कि सबसे पहले अपने आप को देखें, दूसरे बंदे को छोड़ दें, ऐसे ही जब आपने अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है ना, तो हर उस बंदे से अपने आप को डिटैच करें जो आपको इमोशनली टॉक्सिक लगता है। है या नहीं, इट डजेंट मैटर। अगर आपको 1% भी लगता है वो बंदा इमोशनली टॉक्सिक है, उससे साइड भी हो जाए। ये लोग पैरासाइट्स होते हैं, आपकी एनर्जी, आपका इमोशनल जो आपकी होती है ना हिम्मत सारी, वो ये सारी कंज्यूम कर जाते हैं। तो इस बात में ना रहें कि मुझे उसकी ज़रूरत है, मेरी दोस्त है, सहेली है, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। इमोशनली टॉक्सिक यार वो लोग होते हैं कि आप उनके पास बैठ करना कितना भी बड़ा मसला रो लें तो वो आपको ये कहेंगे कि यार मेरा की कसूर है, मैं की कीता है, मैनू क्यों दस रहे। हमें उस टाइम पे हम उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि यार ये हमसे सुने। ठीक है, अच्छा, एट दैट मोमेंट उनका ये रिस्पॉन्स होगा, लेकिन उठने के बाद आपको जब भी वो मिलेंगे या जब भी उस मौजू पे बहस होगी वो आपको अपने पुराने गम याद करवाते रहेंगे
आपको बताते रहेंगे कि तब आपने ये बात की थी और तुम तो इन्हीं मसलों का शिकार रहते हो, तुम तो इनसे बाहर ही नहीं निकल सकते। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना वो होते हैं इमोशनली टॉक्सिक, ठीक है, जो आपको पुराने दर्द आपके याद करवाते रहते हैं। जब अपना आप ठीक हो जाए फिर ही आप दूसरों के बर्तन ठीक कर पाएंगे, फिर ही आप दूसरों का दिल जोड़ पाएंगे। जब आपका अपना दिल टूटा होगा फिर आप किसी को कंसोल नहीं कर सकते, किसी को अच्छा मशवरा नहीं दे सकते और किसी के हमदर्द नहीं बन सकते। आप में से अक्सर फीमेल्स में ये बात ज़्यादा डोमिनेट होती है कि अक्सर सहेलियाँ कुछ दोस्तों से मशवरे मांगने आती हैं, अपने दिल के दर्द सुनाने आती हैं। मेल्स में ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं होती, वो अपने आप तक ही रखते हैं अपनी बातें। तो अगर आपके पास, अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपके पास आएँ अपना मसला बताएं, तो सबसे पहले अपने आप को इमोशनली इतना मजबूत बनाएं। ये ना हो कि कोई आए आपको अपना मसला सुनाए तो आप अपना रोना शुरू कर देंगे, मेरे साथ जब ये हुआ था मैं आपको बता नहीं सकता मेरे साथ क्या मसले थे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी साउंड, यू शुड बी स्ट्रांग, उसके बाद आप दूसरों के से बात करें। इस पे मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक ही बच्चा है, बाकी आप सब इतने सयाने हैं कि ये समझ सकते हैं कि आपकी जो इमोशनल मैनेजमेंट है वो आपकी काम की जो रफ्तार है उसमें आपको कितना फ़ायदा देती है। कई मुश्किल हमें आते हैं, बहुत मुश्किल हमें भी आते हैं जब दिल करता है यार छोड़ो ये सब कुछ, नहीं करनी ये जॉब, जा रहा हूँ मैं घर, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह पालने वाला है, होता है। उस मोमेंट को एक्सेप्ट करना है, लड़ना नहीं है अपने आप से, अपनी तकदीर से गिला नहीं करना कि गलत हो रहा है, मैं तो ये नहीं चाहता था, ये हमारे करने के काम नहीं है। लेकिन जब उस फेज से आप निकलेंगे ना, ये फेज सब पे आता है, इसका 2-4-10 मिनट रहना नॉर्मल है, तब सब बुरा लगता है, कंपनी बुरी लगती है, बॉस बुरा लगता है, साथ बैठा हुआ कुलीग बुरा लगता है, ये सब पे आता है। लेकिन अगर ये 10-15 मिनट 1 घंटे से एक्सीड करता है ना, फिर सोचें कि मसला कहाँ है, उस मसले को ठीक करने की कोशिश करें। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब भी आपके पास कोई मसला लेके आए ना, तो उसे एक सवाल पूछें कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपको हल बताऊँ या आपका मसला सुनूँ। 90% लोग सिर्फ अपना मसला बताने आते हैं, उन्हें हल पहले पता होता है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा जुल्म हम ये करते हैं, वो अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, हम दरमियान में पॉज करके अपनी एपिसोड चला देते हैं, तो जब तक हमारी कहानी ख़त्म नहीं होती ना, तो अगला कहाँ का कहाँ पहुँच चुका होता है, उसे पता होता है यार ये मेरा इसलिए नहीं मैं आया था, और दोबारा वो कभी वापस नहीं आता फिर आपके पास, ठीक है। हमें चाहिए होता है सिर्फ सुनने वाला, एक्टिव लिसनिंग पे अभी बात करेंगे। अच्छा जी, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन, कभी किसी ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किए? थॉट्स को अकेले बैठ के क्या चीज़ आपने गलत की, क्या चीज़ ठीक थी, हाँ नहीं करना चाहिए था, इस तरह करना चाहिए था। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। थॉट्स को कंट्रोल किया कभी? जो योगा करती है बैठ के 10 मिनट्स की मेडिटेशन, हाँ जी, उससे कंट्रोल होते हैं, इंसान का फोकस उस पॉइंट पे रहता है जो वो करना चाह रहा है। अच्छा, मेडिटेशन इज नेवर सपोज टू कंट्रोल योर थॉट्स, कर भी नहीं सकती, कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ बहुत सारी थॉट्स को एक डायरेक्शन में सिस्टमाइज कर सकती है। आप किसी मसले का हल सोच रहे हैं तो 10,000 चीज़ें सोचने, अलग अलग सोचने की बजाय अगर आप एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। दूसरा ये है कि जो मेन पर्पज़ होता है मेडिटेशन का, वो ये है कि कई दफ़ा ना हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे होते हैं, इतने ओवरथिंक कर रहे होते हैं कि हमारा दिल कर रहा होता है कि हम ना अपने बॉडी से ही कहीं निकल जाएं, छोड़ दें सारा कुछ, लेकिन हम नहीं कर पा रहे होते, कोई चीज़ हमें सता रही होती है बार बार। तो उस टाइम पे ये जो मेडिटेशन है ये ऐसे हेल्प करती है कि आप बैठें, सिर्फ रिलैक्स करें, और जहाँ आपका दिमाग जा रहा है ना वहाँ से किसी एक चीज़ पर उसे वापस ले आएं। एब्सोल्यूट ब्लैंक कभी नहीं होगा ये, बट ये होगा कि आप किसी एक अच्छी चीज़ पे, अल्लाह के नाम पे, एक वर्ड से ज़्यादा कुछ भी ना हो, एक वर्ड से ज़्यादा होगा फिर डिस्ट्रैक्शन होगी, किसी एक वर्ड पे उसे वापस लें। हम इस्लामी लोग हैं थोड़े, तो अल्लाह का नाम सबसे अच्छा है, कि आप
अल्लाह के नाम पे सिर्फ फोकस रखें आंखें बंद करके, और उसी पे अपना फोकस, आपका फोकस दाएं जाए, बाएं जाए, आगे जाए, पीछे जाए, वापस वहीं पे लें। तो जब भी हम पे इमोशनल अटैक होता है ना, सेंसिटिव होते हैं हम इंसान, तो तब हमें सिर्फ अपनी थॉट्स को ब्लॉक करना होता है, एक ऐसा हिसार बनाना होता है कि उस थॉट प्रोसेस का हम हिस्सा ना बने जो हमें तकलीफ दे रहा है, क्योंकि हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें मेडिटेशन सीखनी पड़ती है, और ये इतनी मुश्किल है नहीं जितनी लगती है। कभी टाइम निकाल के, और टाइम क्या निकालना है आप लोगों ने, मैं आज आपको करवा के भेजूँगा। अच्छा जी, दूसरी बात, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस पॉजिटिव साइकोलॉजी में सबसे अहम पिलर है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये कमरा अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी है, तो इसकी छत, इसकी दीवारें, इसका ग्राउंड, ये माइंडफुलनेस है। और माइंडफुलनेस अगर आप अभी करना चाहें तो ये इतनी आसान है कि मैं आपको एक मिनट दूंगा, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये सोचना है कि आप इस प्रेजेंट मोमेंट पे, ना एक मिनट पहले ना एक मिनट बाद, आप महसूस क्या कर रहे हैं। अपने आप से पूछें, आंखें बंद कर लें, पूछें कि कैसा लग रहा है, तो कुछ जवाब आपको मिलेंगे। थोड़ी सी गर्मी है, कुछ लोगों को ये फील होगा, हालांकि ये चीज़ उन्हें पहले शायद फील ना हुई हो। कुछ लोगों को लग रहा होगा आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी कम है, लेकिन बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करके ज़रा अंदर जाएं, सोचें कि आप खुद क्या महसूस कर रहे हैं। अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव है, या कहीं ये फील कर रहे हैं कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। होगा होगा, ऐसा भी होगा, मुझे उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है। बल्कि ये होता है कि हमने एक एक्सरसाइज की थी कि एग्रेसिव से निकलने के लिए आप आंखें बंद करें, सोचिए कि एक खूबसूरत सीनरी है, व्यू है, वहाँ बैठे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, दरख्त है और फूल है, और इसी तरह एक दरिया सा जा रहा है, तो वो फिर आदमी को इजी इतना आता है कि वो तो डिप्रेशन से भी निकल जाए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वैसे ही उससे बेहतर है, थोड़ी सी शॉर्ट होगी, करवाता हूँ मैं। लेकिन जिनसे मैंने सीखी ना, मैंने उनसे पूछा कि सर जब आंखें खुल जाती हैं तो वो चला जाता है सारा कुछ, फिर गया, तो उन्होंने कहा कि आपको चाहिए तो दोबारा आंखें बंद कर लें। ऐसे ही करते हैं। शाह साहब ने इसी कमरे में लोगों को रुलाया हुआ है ये मेडिटेशन करवा के, तो मेरा ऐसा कोई इरादा है नहीं, क्योंकि मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो अभी जो ऑडियो हमने चलानी है, उसके बाद जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो मेरी आंखों से भी आंसू आ गए थे, ऐसा ही मोमेंट था, तो अगर आ गए तो पेश की माजरत। अच्छा, आंखें बंद, सिर्फ चार मिनट समथिंग है, सो एंजॉय इट। Tap your attention to your breath. Just observe the beginnings of your breath at this stage. Take as you return to your breath. Haan ji. अच्छा, ये उस लेडी के लिए क्लैपिंग थी, मेरे लिए नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे इसमें कोई काम नहीं था। एक्चुअली ये पहली दफ़ा कुछ लोगों को अजीब भी लगता है, इट्स टोटली नॉर्मल, होता है। कई दफ़ा ऐसा भी लगता है कि यार ये अजीब सी बातें हैं, ये तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, बट इसमें जो करने वाला काम है वो ये है कि आप ऐसी कार्डियो अपनी भी बना सकते हैं जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें। एक बैकग्राउंड आपको साउंड चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, और एक ऐसी दुनिया जिसमें आप खुद खुश रहते हो। आप में से अक्सर ऐसे होंगे जो जब भी किसी एक रिलैक्स दुनिया का एक विजुलाइजेशन करते होंगे तो उन्हें एक नदी नज़र आती होगी,
उसके किनारे पे कुटिया, उसमें बैठते हुए वो एक चाय का कप, एक किताब, उसके आगे क्या, कुछ भी नहीं। तो वो जो सारी दुनिया है ना, जब भी आप कभी परेशान हो तो कहानी सिर्फ इतनी है कि जब सैडनेस बढ़ जाए तो उसको आप कम करने के बजाय खुशी को बढ़ा लें, सैडनेस से भी ज़्यादा। तो वो करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपको खुश रखती हैं उन पे काम करें। हम लगे रहते हैं सैडनेस को कम करने, ठीक है। सैडनेस कोई बल्क क्वांटिटी में नहीं आती कि जी आप थोड़ी सी निकाल के बाहर फेंक दें तो कम हो जाती है, नहीं होती। आप एक चीज़ ऊपर चली गई है, दूसरी नीचे है, तो आप इसको थोड़ा सा और ऊपर करें, इसको थोड़ा सा नीचे करें, बैलेंस कर लें, तो आपका जो मिजाज है वो ठीक हो जाएगा। आप में से कोई डायरी लिखता है जी अपनी? Yes. कोई ख्याल? अच्छा, दो तरह की डायरी होती है। मैं 2013 से लिख रहा हूँ इसलिए मैं पहले बता दूँ। एक डायरी वो होती है जिसमें हम बैठ के अपने ख़ास मौक़ों पे, जो बड़े कभी इवेंट किए होते हैं ना, जैसे आज का, वो मैं लिखूँगा कि आज लोग आए थे, कैसी बात रही। एक डायरी ख्यालात वाली होती है जिसमें आप बैठ कर वो चीज़ें लिखते हैं जो आपने दरियाफ्त की होती है, ठीक है। बिल्कुल, जैसे कैनाल रोड, इतवार की सुबह, और किसी बेंच पे बैठ के किताब पढ़ना, ये मैंने दरियाफ्त किया था अपने लिए, तो मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ बैठ के जो मैंने लिखा वो इटसेल्फ मुझे बहुत पसंद है। अब उसे होता क्या, राइटिंग जो है वो आपकी दिमाग की गिरें खोलती है। आपका दिमाग जो दिन में 70,000 चीज़ें डेली लेके चलता है, वो उन सब को जब पेपर पे लेके आते हैं ना आप, तो आपको समझ आती है कि आपकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ बढ़ती जा रही है, और आपका हर ख्याल उसमें मैच्योरिटी जो है ना वो आती जा रही है, और वो बहुत ज़रूरी होती है आपको पुश करने के लिए। क्योंकि जितना मयारी आपका ख्याल होता है उतने मयारी आप इंसान होते हैं। तो आप अपनी डायरी पे जो कुछ भी लिखते हैं, दैट टेल्स अ लॉट अबाउट यू। सेल्फ रिफ्लेक्शन का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये एक अनदर एस्पेक्ट है डायरी लिखने का। आपको कभी गुस्सा आए तो, अगर आपको फील हो कि गुस्सा आ गया है, पहली बात तो डायग्नोसिस होता है, लोग मानते ही नहीं है, नहीं मैंने तो नहीं आया, मैंने कितने गुस्सा, मैं तो बड़ा शांत आदमी हूँ, मैंने तो गुस्सा आंदे नहीं। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताता जाऊँ, आई वॉज नोन एज द एंग्री यंग मैन। मेरे चेहरे पर कभी स्माइल नहीं आती थी, हमेशा गुस्सा, इतना गुस्सा कि ये नाम पड़ गया मेरा। मैं पहले स्लाइड में वो तस्वीर ऐड करने लगा था अपनी, तो फिर मुझे लगा नहीं वो ना प्रेजेंटेशन सारी नॉन सीरियस हो जाएगी, क्योंकि वो तस्वीर वाकई इस काबिल है कि ना देखी जाए, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिशन है वो उस सेल्फ रिफ्लेक्शन के बायस आई जो पॉसिबल हुई एक डायरी की वजह से, कि यार मैं गुस्सा क्यों करता हूँ, या लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं गुस्सेल हूँ। मैंने कभी किसी को मारा है? हाँ, कितनों को मारा है? ढेर सारों को मारा है। क्यों मारा है? उनकी हरकतों की वजह से मारा है। क्या वो हरकतें मेरे कंट्रोल में हैं? नहीं। क्या उन हरकतों की वजह से उनकी ज़िंदगी बदली? नहीं। तो फिर मैं लोगों को क्यों मारता हूँ? तो पता चला यार इसका कोई रिजल्ट नहीं है। अब होगा क्या, ये जब आप कुछ भी लिखते जाते हैं ना, तो वो हर जवाब एक नए सवाल को प्रोड्यूस करता जाता है कि क्या कर रहे हो, ये जो कर रहे हो उसका क्या फ़ायदा है, कोई रिजल्ट निकला है? नहीं निकला, तो कुछ और करके देख लो। जब वो करोगे फिर दोबारा लिखोगे, और ऐसे आपका हर ख्याल आपको एक नई बात देता जाएगा। और आपकी जो रिफ्लेक्शन है ना, आपके जो मकासद, हम अक्सर शादी भी बात करते हैं कि गोल सेट करें, ज़िंदगी का विजन बनाएं, वो तभी होता है जब आप बार बार चीज़ों को करते रहते हैं। विजन एक दिन में कभी भी नहीं बनता। आप कहें कि मैं बैठूं और लिख लूँ मैंने ज़िंदगी में ये करना है, आप 6 महीने बाद उसी विजन को पढ़ेंगे ना तो आप हंसेंगे कि यार ये क्या चावल मारी थी मैंने, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं आज। तो विजन तो बदलता रहता है इंसान का। तो आपने जब भी
कभी भी किसी इमोशन से गुजरे हो, बेशक अच्छा हो, उस पे भी लिखें कि अच्छा इमोशन कैसा है। सर्दी, साग, मक्खन, धूप, लस्सी, ये सब कुछ एक अच्छा इमोशन है ना, तो इस इमोशन पे भी लिखें। मुस्तनसर हुसैन तारड़ की सारी तहरीरें एक अच्छे इमोशन की याद ही है, और वो अच्छा इमोशन उन्होंने दुनिया तक पब्लिक कर दिया, आप अपने आप तक रख लें। सिर्फ तस्वीर में नहीं, तस्वीर तो हम खींच लेते हैं, डाल देते हैं स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, बट वो जो लिख के आप अपने पास रखेंगे और 10 साल बाद जब आप पढ़ेंगे ना, तो वो जायका वापस आएगा। ठीक है, तो वो आपने याद रखना है। सर हमारे अक्सर बंदे इधर लगे हुए हैं आसिम मुनीर साहब को ठीक करने, नहीं कर सकते, किसी को नहीं ठीक कर सकते। जो स्मैट साहब अपने तक ठीक है ना, हम अपना काम कर सकते हैं, बस काफ़ी है। अच्छा, वो जो मेडिटेशन हमने की, ये पुरानी आदत है मेरी। अच्छा जी, हैप्पीनेस के कॉमन इमोशंस और कुछ उनकी प्रैक्टिकल बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हैप्पीनेस। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचें ऐसी तीन बातें जो आपको खुश रखती हैं या खुश बनाती हैं, कोई ऐसी तीन चीज़ें, अब आप सबके अलग अलग होंगी, जो आपको खुश रखती हैं, कोई तीन बातें सोच लें, मुझे ना बताएं। नहीं हुई किसी की तीन, आपकी हुई हैं, आपको तो मैं जानता हूँ ना पर्सनली। अच्छा, कितनों की हो गई हैं तीन? दो, चार, पांच बंदे, बाकियों की क्यों नहीं हुई? कभी पूछा अपने आप से कि आप लोग कैसे खुश रहते हैं, क्या खुश रखता है अपने आप को? कभी नहीं पूछा ना, तो ये पूछना है आप, क्या खुश रखता है आपको? जब उदास हो तो क्या करने का दिल करता है? जब कुछ ना कर रहे हो तो ऐसा क्या होता है जिससे आपको आपका दिल करता है कि यार यही है सब कुछ? और मैं सही बता दूं, अगर वो नेटफ्लिक्स है तो फिर आप खुशी नहीं ढूंढ रहे, फिर आप टाइम पास ढूंढ रहे हैं। सेकंड, सैडनेस, एक बदनाम इमोशन, लेकिन जितना मज़ा इसमें है ना, वो खुशी में भी नहीं है। अगर आपको ये जीना आ जाए, ये गालिब का एक मिसरा भी है, आई विश कि अगर मुझे मिल जाए अभी मैं सुना दूंगा, वो कहता है कि अगर आपको ये जीना नहीं आया ना गम, फिर आपको ज़िंदगी जीने नहीं आई। हम इससे भागते हैं, हमें इसे कबूल करना है। जैसे हम खुशी को करते हैं, वो एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, हम कहते हैं वो दही जा है, गोली रख ला है, नहीं इंज नहीं चलनी दुनिया, दोए ला के चलने ने तुसी, तो उन्होंने भी कबूल करो ना, दुख ने अल्लाह ने तो नहीं देने ने कि वो अफ्रीका सुटाने ने सारे। ठीक है, तो सैडनेस भी जब आए, बेशक वो मुश्किल लगे, बट उसी उसको एक्सेप्ट करें बड़े दिल के साथ। जब उसने खुशी दी थी तो तब भी तो आप खुश हुए थे, तो इसमें परेशान है तो इट्स ओके, चलता है, ज़िंदगी है, ऐसे ही होगा। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ऐड करता चलूँ, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था ताकि मुझे एक बात याद आ जाए। अक्सर बंदे ने व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, सर मुझे डिप्रेशन हो गया। मैं पूछता हूँ कब से है? सर कल रात से। ठीक है, तो मैं आज क्लियर कर दूं, डिप्रेशन कल रात को शुरू हो आज तक नहीं होता। ठीक है, ये कोई नज़ला ज़ुकाम नहीं है, इसके लिए एक पूरे DSM में पूरा क्राइटेरिया है, अगर वो पूरा ना हो आपको डिप्रेशन नहीं होता। तो ये डिप्रेशन को ना बदनाम करना बंद करें। पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक सीवियर मर्ज़ है, और ऐसे ही हर बंदा जी मुझे भी डिप्रेशन हो रहा है, और मुझे ये आई मीन मूड होना सही है, वो डिप्रेशन हो रहा है नहीं होता डिप्रेशन। ठीक है, तो अगली दफ़ा कम से कम आपको 4 हफ्ते अगर ये रहे मिनिमम, तो फिर आप कह सकते हैं कि मुझे डिप्रेशन है। बट आपका तो 4 दिन भी पूरे नहीं होते, तो आप सिर्फ इतना कह दिया करेंगे मूड ख़राब है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अगले को
आपको भी पता चल जाए। जब आप डिप्रेशन का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो आपके खुद दिमाग भी यही मानता है कि आपके ना कुछ हो गया है, कोई बड़ा हादसा हुआ है मेरे साथ, अब नहीं मैं ठीक हो सकता। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि मूड ख़राब है 2-3 दिन से, फिर आप कहते हैं हो जाएगा ठीक। क्योंकि मूड ख़राब हमारे दिमाग में जो उसकी वैल्यू है वो थोड़ा वॉल्यूम कम है, डिप्रेशन का इतना बड़ा है कि हमें लगता है यार ये महंगी चीज़ होगी। अच्छा जी, एंग्री, जैसे मैंने पहली बात की, इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव। हथौड़ा किस और चलाना है इसका फैसला आपने करना है, बट अपॉर्चुनिटीज़ दोनों हैं आपके पास। तो जिस जिस को गुस्से का मसला है वो उसको कंस्ट्रक्टिव बनाने के तरीके ढूंढ ले। मैं नहीं बता सकता, क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है आपका गुस्सा किस चीज़ पे है। आप मुझसे ट्रिगर डिस्कस करें, मैं आपको बता दूंगा कि आपने गुस्सा कहाँ निकालना है। लेकिन अगर गुस्सा बेगम की वजह से है, मैं पहले ही माजरत कर लेता हूँ, मैं ऐसे पंगों में नहीं पड़ता हूँ, वो ना थोड़ा सवेर हो जाता है मामला। आप मुझसे बाद में मिलिएगा। अच्छा, एंग्जाइटी अनदर ऐसी चीज़। जी अच्छा, बाज औकात का मतलब हफ्ते में 3 दफा मारना है या दिन में 4 दफा? दिन में 4 दफा। तो ये बाज औकात तो ना ना हुआ, ये तो हर वक्त ही हुआ। छोटे बच्चे हैं, उनके किसी भी काम पे गुस्सा आ गया, अचानक से थप्पड़ लग जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो बाद में खुद को बुरा फील होता है कि इनको नहीं मारना चाहिए था। तो आप ना, जो लास्ट मेरे पास इस तरह का केस आया था, मैंने उसे वो कहा था, वो बॉक्सिंग नहीं होता वो वाला, हाँ वो रख लें आप, बच्चों में रहम खाएं, वो रख लें, उसे ही निकालना ना, किसी भी चीज़ पे निकाल लें, उस पर निकाल लें। नहीं, बच्चे सामने होंगे ना, तो दरमियान में वो भी तो होगा खड़ा कहीं। देखें मेरी, देखिए मेरी बात सुने, पहले बात हो रही थी कि इमोशन की ना एक एनर्जी होती है, जब आपने कोई टैबलेट ली वो एनर्जी सप्रेस होगी, क्या वो एनर्जी आपकी बॉडी से चलेगी? नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें, क्या वो चलेगी? नहीं ना, चैनलाइज हुई नहीं, सप्रेस होगी, होगी उसका फ़ायदा आपको वक्ती तौर पे तो हुआ, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि आप उस गुस्से को अच्छे से चैनलाइज करना सीख लें। लास्ट सेशन में मैंने कहा, यहाँ एक स्कूल आया हुआ था, तो एक लेडी थी, तो उन्होंने कहा जी कि बच्चा, मैंने कहा जी आपके बच्चे शरारतें करते हैं तो आप क्या करती हैं? कहती कुटती हैं चंगा बना के। तो मैंने कहा क्यों? कहते मुझे गुस्सा आता है। मैं कहा आपका गुस्सा कहीं और से आता होगा? कहती जी ऐसा ही है, ऐसे ही होता है, क्योंकि मिलते आपको यही है ना, उनको आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। उसी पे बात हो रही है उस्मान साहब, मुझे पता है आज आप स्पेशली मेरा इम्तहान लेने आए हैं। अच्छा, अब आप ऐसा करें, टैबलेट से तो मैं आपको फ़िलहाल नहीं रोकता, इट्स फाइन, आप उसको रखें, लेकिन साथ में आप मुझसे अगर मिल लें बाद में, तो हम इन डिटेल इस पर बात कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। तो उनका इसमें बिल्कुल कसूर नहीं है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो जब आप ये सोचते हैं कि ये हमारी वजह से लाए गए हैं जी, वो खुद अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। और ये हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान ही ये होता है कि खुदा ने आपको इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी दी है, तो उसको आप कितने कंट्रोल्ड और एहसन तरीके से करें। जब ये बातें सारी ठीक है, लेकिन इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ इतना है कि जब हमें गुस्सा आ रहा होता है तो लॉजिक वाली सारी बातें हम भूल जाते हैं, फिर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अगर समझ आ रहा होता तो फिर हम ये हरकतें कर ही ना, मतलब ये ड्रिवन हो रहे हैं अपने इमोशंस के। हाँ जी, हमें उसी को मैनेज करना ना,
ठीक है। अच्छा हम क्वेश्चन आंसर एंड पे ना रख ले, आई स्पेयर सम स्पेस। सबसे पहले थॉट्स वाली बात जो अभी मैडम ने की, आपका आपको जिन बातों पे गुस्सा आता है आप उन पे काम करें पहले, वो बदलेंगी तो रिस्पांस बदलेगा, ठीक है। वो मैं बताता हूँ बाद में कैसे। दूसरा, रीफ्रेमिंग। दिमाग की एक ऐसी चीज़, जैसे अभी वो डॉक्टर अस्थाना साहब कर रहे थे, बहुत अच्छा रीफ्रेम किया उन्होंने, आया उनको गुस्सा बट उन्होंने रिस्पांस को रीफ्रेम किया, इससे पहले कि वो उसको मार देते उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। एंड थर्ड थिंग इज रेगुलेट करें। अच्छा, रेगुलेशन की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो नेचर ने संभाली हुई है। कभी कभी वो आपको बहुत खुशियां देती है, कभी कभी वो सब कुछ छीन के आपको जीरो लाइन पे बैलेंस कर देती है, कभी कभी दुख दे के बहुत नीचे ले जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक ऐसी स्टेट में रहते हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगता है। अगर ऐसा है तो इट्स गुड, अगर इससे नीचे है तो यू नीड कंसल्टेंसी, किसी से मशवरा कर लें जो आपको बता सके कि मसला कहाँ पे है, क्योंकि अगर आप उस लाइन से बिलो हैं तो इसका मतलब है कि कोई मलफंक्शन है सिस्टम में जिसको हल करना है आपने। ये किताब है जी, ये किताब इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन, वी कैन कॉल इट बाइबल ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट। ये 5 स्टेप बताती है, वही 5 स्टेप जिनको अभी हमने डिस्कस किया इन अ वेरी लाइटर नोट। अवेयरनेस, आपको पता हो कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा आता है, आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, आपको पता हो इस बात का। अगर नहीं पता तो फिर आप इससे आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। फिर रेगुलेट करना, उसकी कोई टेक्निक्स है, कुछ अभी आएंगी, कुछ अस्थाना साहब हमें पहले बता चुके हैं। अच्छा, जब भी आपने इमोशनली रेगुलेट करना है इन वाली बात, आपकी वजह हमेशा इंटरनल किसी सोर्स से जुड़ी होनी चाहिए, आपकी अपनी मॉरल वैल्यूज से। आपने अगर बच्चों को नहीं मारना तो ये सोच के नहीं मारना कि वो मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे हैं। आपने ये सोच के उन्हें नहीं मारना कि मुझे ये सूट ही नहीं करता, मेरी अपनी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। अगर आपने कभी नहीं देखा ना किसी को मार खाते हुए तो फिर शायद आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने अगर अगर आपने वाकई देखा हुआ है स्वेयरली बच्चों को पिटते हुए, फिर आप ये कदम नहीं उठाएंगे, ठीक है। क्योंकि इंसान की फिर बिलीव बन जाता है कि यार इस तरीके से बच्चे की तरबियत नहीं हो सकती, इतना कुट मार के हमारे जो बड़े थे ये बैठे हुए, हम सब ने मारे खाई हुई हैं, लेकिन एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा नहीं मारते थे, उन्हें पता था कहाँ रुकना है। तो तरबियत जो है ना वो वहीं पे होती है। अच्छा जी, उसके बाद एम्पथी, पहली बात अपने आप से, उसके बाद किसी दूसरे से। अगर अपनी हमदर्दी अपनी ज़ात से नहीं है, वही सेल्फ लव वाली बात, फिर किसी दूसरे बंदे से नहीं आ सकती। तवक्को ही ना रखें कि अगर आप इमोशनली मैनेज नहीं हैं तो आप किसी दूसरे को मैनेज कर सकते हैं। आप उसको मशवरा भी देंगे तो बहुत गलत मशवरा देंगे जो उसके किसी काम नहीं आएगा। एंड पे फिर आप लगे रहें लोगों से, हाँ जी आप भी मसला बताएं, आप भी बताएं, करूँगा मैं सारे मसले ठीक। ये 3 काम हैं जिन पे हमने बात कुछ कर ली है, कुछ रह गई है। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग साइंस ये है कि जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपकी सबसे पहले जो इमोशंस, आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है। और उनको बैलेंस करने के लिए आपको चाहिए द मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन योर लंग्स, इन योर बॉडी, इन योर ब्रेन, क्योंकि आपका दिमाग इन चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा होता है। तो जब आप बैठें और गहरे सांस लें तो आपकी जो ऑक्सीजन की इनटेक है वो बढ़ती है, वो दिमाग तक ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, और उसकी वजह से होता क्या है कि आपके जो हार्मोन्स हैं जो आपका सारा सिस्टम चला रहे हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। सेकंड, अस्थाना साहब फिर आ गए, रीडिफाइन द नेगेटिव थॉट्स एंड देयर पैटर्न्स। और थर्ड, राइटिंग, जिस पे अभी मैंने बहुत बात की है, ट्रिगर्स और पैटर्न्स
इन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मज़ीद इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सवालों के लिए टाइम छोड़ना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, अगर आपके पास कोई बंदा मसला लेके आए तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि चुप करके उसके सामने बैठ जाएं, बल्कि उसे ये फील करवाएं कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। और इसका मतलब हूँ हाँ करना नहीं होता, एक्टिव लिसनिंग एक पूरा आर्ट है। उसमें आप अगले को ऐसा फील कराते हैं कि इस टाइम मेरी पूरी दुनिया सिर्फ तू है, और मेरी सारी हिस्से इस वक्त जिस एक बंदे पे फोकस हुई हैं वो तुम हो। तो मैं जब तक तुम्हारे मसले का हल ना निकाल लूँ या तुम्हारे दिल का बोझ हल्का ना कर लूँ, मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। तो वो है एक्टिव लिसनिंग। तो जब भी कोई बंदा आपके पास मसला लेके आए तो फ़ोन साइड पर रख दिया करें, बहुत बुरा लगता है कि अगला बंदा अपना मसला बता रहा है और आप फ़ोन में लगे हुए हैं। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। अक्सर दोस्त जब आते हैं ना कि यार वो छोड़ गई है या वो चला गया है या ये हो गया या वो हो गया, तो उनकी जगह खुद को रख के समझा करें कि उन पे क्या गुजर रही है। कई लोगों को ना ये बड़ा लाइट लगता है, यार चलता है, दुनिया ऐसी है, लोग आते हैं लोग चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। हर बंदे का जो सेंसिटिविटी का ग्राफ है ना वो अलग अलग है। तो कुछ तो ऐसे भी थे कि उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्होंने जाके लटका लिया। वो इसी गज़ल का है ना कि वो एक कच्ची उम्र के लड़के के फ़लसफ़े को कोई ना समझ सका, जब उसके कमरे से लाश निकली हुतूत निकले तो लोग समझे। तो लोगों को सुना करें यार, और काइंडनेस से सुना करें और कंपैशन से सुना करें, ऐसे सुना करें जैसे वो डिज़र्व करता है आपका सुनना। दो किताबें, एक तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। मैं ये सोच के लाया था कि मैं ये किताब गिफ्ट करूँगा, लेकिन अब मसला ये है कि इतने लोग हैं मैं किसको करूँ। चले उस पे जाते हैं, वो मेरे पास है एक तरीका, TCS कर दें, आप खर्चा बढ़ाना चाह रहे। अच्छा, ये बुक बड़ी अच्छी है इस पे और उस पे। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते तो ये मूवी देख लें, 6 Basic Emotions पे, बहुत अच्छी मूवी है, डिज्नी की, इनसाइड आउट ज़रूर। सेल्फ हेल्प और साइकोलॉजी में ना जो एक मज़ेदार लेकिन मज़ा का हेज़ जो बात हुई है कि किसी भी चीज़ की टर्मिनोलॉजी को ना कोई भी ऐसी साइंस बता दिया गया है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, अब जैसे आप बता रहे हैं इमोशनल बैंकिंग, इन सेल्फ साइकोलॉजी में, इमोशंस की साइंस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अगर आप उसको एक बेसिक थ्योरी के तौर पर लेते हो, एक बेसिक नॉलेज है, जैसे आप ये कह लें कि खुशी का एक ग्राफ आप बना लो, एक सैडनेस का ग्राफ बना लो, और आप ये खुद को रेट करो कि आप किस में कितने हो, तो वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का बड़ा अच्छा मॉडल है। ठीक है, उसको आप कई नाम दे दो, उसको बैंक का नाम दे दो, उसको असेसमेंट का नाम दे दो। हमारे यहाँ ना जो ट्रेनर्स हैं, क्योंकि सेल्फ हेल्प की इंडस्ट्री अभी नई है, सिर्फ यहाँ पे नहीं दुनिया पूरी में, तो वो हर चीज़ को ना एक नया नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये इतने कॉन्सेप्ट डेली निकल के आ जाते हैं कि हमारे लिए ना वो, लेकिन वो जब घूम फिर के आते हैं तो बात फिर वही निकलती है कि बात तो एक ही थी, वो उस पर पैकेजिंग जो है वो हर बात की डिफरेंट हुई है। अच्छा, अभी हम लास्ट 10 मिनट है हमारे पास, तो सवालात अगर हैं तो बिस्मिल्लाह। तो क्या ये ठीक है कि आपका
पार्टनर टॉक्सिक है और आपको उसी के साथ लाइफ गुजारनी ही गुजारनी है, क्या ये सोल्यूशन ठीक बताते हैं कि आप अपने आप पर फोकस करना स्टार्ट करते हैं जबकि पॉसिबल नहीं होता स्पेशली फॉर अ वुमन? मैडम पहली बात तो ये है कि जो दीन बताता है, जो हमारी सोसाइटी बताती है, हम किसी कंपैरिजन में ना तो पढ़ सकते हैं ना पूरा उतर सकते हैं। ठीक है, दीन की साइंस डिफरेंट ही, बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, वो तो कहता है जी कि आप के पास इतनी डिपेंडेंस है, आप शादी कर लें दूसरी। ठीक है, लेकिन माय क्वेश्चन इज कि सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब उससे होता क्या है, देखिए हम फिर उन फैक्टर्स को देखते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। हमारा जो आसपास का तबका है, बेशक वो आपका हस्बैंड है या आपकी फैमिली है, जैसे वो बता रहे थे, क्या वो हमारे कंट्रोल में है? नहीं है, हम उनको नहीं बदल सकते। आज शाह साहब के साथ एक बात, एक किताब डिस्कस हो रही थी, तो उसमें एक पूरी वो किताब आप दोनों ज़रूर पढ़िएगा, कांटों वाला एक दरख्त होता है उसको आपने गले कैसे लगाना, इट्स अबाउट हाउ टू डीलिंग विद द टॉक्सिक पीपल। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, और इन जस्ट इन्हीं सर्कमस्टांसिस को देखते हुए ये बुक लिखी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ तो चलो फिर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेस्ट में भी थोड़ा बहुत तो है ये कि कमिटमेंट आपने किसी के साथ कर दी है तो वो कुछ अरसा तो रहती है, तो उस पर ये बड़ी अच्छी बुक है, 15 इसके लेसन है बेसिकली। शाह साहब वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर, वो भी आप देख सकते हैं, और किताब है तो अगर आप किताबों के शौकीन हैं मेरी तरह तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ऑल ओवर द पाकिस्तान मैं स्टूडेंट के साथ जब भी डिस्कस करता हूँ, कराची यूनिवर्सिटी से लेके स्टूडेंट्स के अंदर बस ये ऐसा इमोशन नेगेटिव है कि जिस पाकिस्तान में कुछ नहीं है, हमें चले जाने पाकिस्तान में, इसको मैं किस तरह उनको जस्टिफाई करूँ कि यू हैव टू लिव दिस सिचुएशन? सर जहाँ से वो सीख रहे हैं ना, वो समुंदर है पूरा, उसके आगे आप कुछ भी कर लें, आप उनके जाविया नहीं बदल सकते, क्योंकि उनको मीडिया है बताने वाला, सोशल मीडिया बताने वाला, उनके घर के हालात हैं बताने वाले, तो उनके पास तो इतने ऑथेंटिक सोर्सेज हैं ना ये सारी बातें मानने के लिए, कि अगर उन्हें मैं बताऊँ या कोई भी बताए, जिनाह साहब भी आ जाए ना वापस, तो वो भी अगर कायल करें ना उनको कि पाकिस्तान छोड़ के ना जाएँ, तो उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि द एविडेंस दे हैव उसको देखते हुए इट इज़ टू टफ। वो कहते हैं पाकिस्तान में रहो, पाकिस्तान में रहो। जो इस वक्त लोगों का माइंड सेट है वो ये है कि सिर्फ अपनी ज़ात देखें, फिलहाल मुल्क बनता रहेगा। वो जो बाहर गए हैं ना, वो भी रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, उसी से चल रहा है मुल्क हमारा। हाँ जी, तो फिर इनको भी थोड़ा सा उसी तरह मुल्क चलाने दें, चल जाएगा अल्लाह खैर। मतलब हमें ना डिफरेंट टाइप के जो है हमारे पास टास्क, इनको मैं ना टास्क समझता हूँ, जैसे कि हमारे पास हमारे एक तो स्टडी के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ बेसिकली फ्रॉम बलोचिस्तान, तो वहाँ पे और यहाँ पे इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। मतलब वहाँ पे हमारी जो ग्रूमिंग है वो एक और तरह से हुई है, यहाँ पे ग्रूमिंग एक टोटली डिफरेंट तरीके से है। यूनिवर्सिटी की लाइफ को मैनेज करते हुए डेली बेसिस पे घर वालों से बात भी करनी है हमें, तो फैमिली की बातें भी होती हैं, कुछ मसले मसाइल वहाँ पे होते हैं, घर का बड़ा होते वो भी हमसे डिस्कस की जाती हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स के इशू हो गए, हमारी दूसरी चीज़ें हो गई, इसके अलावा समटाइम्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, लाइक अ हॉस्ट लाइफ। तो इन्हीं तमाम में रहते हुए इमोशंस के कंट्रोल करने को, जैसे हम एक टॉपिक भी चल रहा है, तो एक इमोशन तो हमारे पास नहीं होता। अब एक जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ इन नॉर्मल लाइफ, हमारी जो भी करंट स्टूडेंट लाइफ चल रही, रिलेशनशिप्स होते हैं मैक्सिमम, तो इसकी अगर बात करूँ तो अगर हम इस मसले को हल करते हैं तो हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी तरफ फिर चले जाते हैं, अगर वहाँ से निकलते हैं हम तो फिर हम जो है फैमिली के इशू में आ जाते हैं। तो इनका कोई एक प्रॉपर वे है या कोई इसका कोई मैकेनिज्म है, अगर आप हमें वो बता दें, जिस पे आहिस्ता आहिस्ता काम करते हुए हम थोड़ा सा, मतलब एक नॉर्मल लाइफ तो नहीं लगता हमें कि ये होगी, मतलब एक जो एक टास्क तो होने वाला ही है, तो हम किस तरह इसको डील कर सकते हैं स्टूडेंट? आपको ये फील नहीं होता कि यही नॉर्मल लाइफ है? यही है, इसी को कहते हैं नॉर्मल लाइफ, ये आता जाता सब कुछ, एक दिन निकलेगा ना कुछ आपकी, ऐसे ही कोई एक आधी चीज़ निकाल देना, आपको फील होगा कुछ नहीं है मेरे पास, फिर वापस डाल लेना, फिर एहसास होगा कि हाँ अब ठीक है। तो ये ऐसे ही है, ये तो यही तो टाइम है अब सारा, फिर जब हो जाएंगे 40-50 साल के, तो उस्मान साहब की तरह पीछे बैठ के अपने दोस्तों का आप क्वेश्चंस करेंगे, उन्हें पूछेंगे कि हाँ जी अब बताएं।
अच्छा, इसके अलावा जी कुछ एनीथिंग जी? आपने अभी कहा कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है अगर लाइक वुमेन अपने लिए थोड़ा स्टैंड ले, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, बट अगर वो स्टैंड नहीं लेगी तो उसी टॉक्सिसिटी में रहेगी तो कितनी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, स्ट्रेस, एनजाइटी, ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह तो लाइफ नहीं चलेगी ना। मैं क्लाइंट की भी एक स्टोरी है मेरे पास, मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन 5 years उसने इस तरह से गुजारे और बहुत मुश्किल से उसको मैंने इस चीज़ से निकाल के कहा कि आगे बढ़ो, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो सिचुएशन में खड़े रहेंगे तो कैसे चलेगा। इसका सबसे अच्छा हल मैडम के साथ जो बात हो रही थी अधूरी रहेगी। आप ना, अगर आपका कोई भी पार्टनर है, आप सबसे ज़्यादा जो उनकी हेल्प कर सकते हैं वो ये है कि उन्हें कन्विंस कर लें किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के पास लेके जाने तक। नहीं नहीं नहीं, देखें मेरी बात सुने, जब कोई बंदा दमे का मरीज़ होता है ना, आप उसे बताओ, उसे पता होगा कि मुझे दमा है। जब किसी बंदे को कोई साइकोलॉजिकल या कोई मेंटल बिहेवियरल इशू है ना, वो तो मानते ही नहीं है, ठीक है। और अगर मेरी गुजारिश है, अगर उसे पॉइंट आउट करके आप ये कहते हैं ना कि इस पे जाके बात करनी है, तो वो कभी भी नहीं मानेगा। मेल में ना एक चीज़ होती है पहाड़ से बड़ी, दैट इज़ कॉल्ड ईगो, कि यार मैनू ज़रूरत है काउंसलर दी, मैं आप पे काउंसलर आएगा, मैं नहीं किसी की गल माननी, ठीक है। तो अब उन्हें कहीं चीज वैसे ही चलते हैं, कोई ऐसी फीमेल्स तो मशहूर हैं चीज़ें मरोड़ने के लिए, तो कोई ऐसी बात दरम्यान में निकाल लेंगे जी, इस पे बात करनी, और काउंसलर को काउंसलर बताएं भी ना। हमारी जो काउंसलर वाली है सारी कम्युनिटी में अक्सर ऐसे हैं जो ये मशवरा देते हैं कि यार ना बताना कि मैं काउंसलर हूँ, किसी कैफ़े में मिल लेते हैं जाके, ठीक है। वो पुराना यूनिवर्सिटी का कोई लीग है, वो वहाँ से आया वापस, उसने हमारा फैमिली डिनर रखा हुआ है, चलो जी चलें। ऐसे ही है, और अपने बेसिकली अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक, बिल्कुल ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसकी पर्सनालिटी को, ऐसे ही। तो ये सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है, आप मैं तो सारी बहनों को यही मशवरा देता हूँ कि खुद को ना एम्पावर करें फाइनेंशियली, वो होगा ना ये सारा कुछ ये नज़र ही नहीं आएगा आपको, जब तक आप फाइनेंशियली नहीं होंगे ना, आपको भी पता है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते। सर मैं यहाँ से ही बात करना चाह रही थी कि अगर फीमेल को पता है कि एक पर्सनैलिटी हमारे साथ किस तरह की है, तो फिर बर्दाश्त करके नहीं चला जा सकता ना उसके साथ, ठीक है। आपको पता है कि हम, आपने बोला था कि हमें खुद को चेंज करना है, हम दूसरे को नहीं चेंज कर सकते हैं, तो फिर इस तरह से तो अपने साथ ज्यादती नहीं है कि आप एक पर्सन को कब से बर्दाश्त कर रहे हो, कर रहे हो। सोसाइटी तो आपको हर तरह से बात करती है, आप 11 बजे घर आएंगे तो भी बात होगी, आपके साथ दुर्घटना नहीं होगा तो भी बात होगी, हर तरह से। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वुमेन जो है अपनी एम्पावरमेंट को भूल जाए और आगे ना चले, लाइक बर्दाश्त करो, ये कहाँ पे लिखा है? मैंने मैंने जब सवाल को मोड़ा था ना कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसकी सबसे बुनियादी वजह ये थी कि जब इस तरह का कोई भी हमारे पास केस आता है ना, तो उसमें कुछ 10 चीज़ें निकल आती हैं, बैकग्राउंड कहाँ से है, ठीक है। अब एक दूर देहात की एक फ़ीमेल है, आपका उसके लिए जवाब मुख्तलिफ होगा, जौहर टाउन में रहने वाले हैं उनके लिए मुख्तलिफ होगा, DHA वालों के लिए मुख्तलिफ होगा, तो ये बातें अमूमी हो ही नहीं सकती। यहाँ पे और जब आप इस तरह से लाइक जैसे हमने कहा दूर देहात की कोई फैमिली आती है, आप उन्हें मशवरा देते हैं कि आप इन्हें सेपरेटेड कर दें, अलग कर दें, वो फॉलोअप के लिए नहीं आएंगे कि साइकोलॉजिस्ट ने तो हमारे घर में फसाद डाल दिया। फिर साइकोलॉजिस्ट मसला साइकोलॉजिस्ट का है, फिर उसको कम्युनिकेट करना नहीं आया। सर मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे। नहीं नहीं नहीं, देखें कम्युनिकेशन होती है ना, आपको बंदा पढ़ना पड़ता है, मशवरा देने से पहले बंदा पढ़ना पड़ता है। अगर बंदा आपको पता है कि वो मशवरा आपका हजम नहीं कर सकता, मुझे फॉलो अप का कोई मसला नहीं, आप ना आए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, दो तरह के बंदे होते हैं, एक लॉजिकल होता है, एक इमोशनल होता है। अगर आप लॉजिकल बंदे को इमोशनल
रीज़न दे के कोई समझाएंगे वो कभी भी नहीं समझेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लॉजिकल को लॉजिकल और इमोशनल को इमोशनल, वो बंदा मेरी बात, वो आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट कन्विंस करना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है, और वो आप तब समझा सकते हैं जब आपको इन चीज़ों का खुद पता हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई वो वसेब से आ जाए ना बंदा, तो पहले वसेब के किसी बंदे से कॉल करके पूछें कि आपका फैमिली सिस्टम क्या है, तब बनता है एक साइकोलॉजिस्ट। ये जेनेरिक मशवरे नहीं होते कि गुजरांवाला वाले बंदे के लिए और समुंदरी वाले बंदे के लिए एक मशवरा हो ही नहीं सकता, सबके लिए अलग अलग है। उसके लिए साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च है कि यार मेरे पास बंदा वहाँ से आ रहा है, कोई थर्ड पर्सन ढूंढो, उससे पूछो यार यहाँ पे फैमिलीज कैसे रहती हैं, ताकि उनके आने से पहले आपकी इंटेंशन उनको आपका पता हो और आपको उनका, तब चलते हैं सिस्टम। अच्छा लास्ट सवाल इसके बाद हम जी हो फिर हंस के उसे एक और पंच कर दे। ठीक है, अगर हमारे बच्चे हैं तो अल्लाह की नेमत चाहिए, उसको अल्लाह की नेमत समझ करना चाहिए, ना कि मारपीट के ऐसे ही सारे पॉजिटिव इशू। अच्छा आप जो बात कर रहे हैं ना, उसमें हंसना, हंसने के भी ना कई अंदाज होते हैं। एक होता है वो तहकीर वाला हंसना, ठीक है, एक होता है अच्छा ठीक है यार स्माइल पास की, जा मेरा भाई ऐश कर, गड्डी ठोक दिया जा उन्हें ऐश कर, उन तो कह रहा वापस देनी है, तो वो जो स्माइल है वो चल जाती है, उस पर कोई नहीं कुछ कहता। ठीक है, अगर वो उस पर भी कुछ कहे ना तो यार मैं तेन गाला कटने आया तू अगू हंसने, उसका मतलब वो घर से तंग है, तो उस पर तरस खाए उसको और कुछ ना कहे, वो बेचारा पहले ही बड़ा तंग है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।